हे hey, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक और गिटहब के सिक्योरिटी टूल का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है सबलिस्टर। ठीक है, तो सबलिस्टर बेसिकली एक पाइथन बेस्ड टूल है जो इन्यूमरेट करता है सब डोमेन्स को यूजिंग ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टेक्निक्स। तो ओसिन क्या होता है यह मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली ये यूज होता है पेनिट्रेशन टेस्टर एंड बग हंटर्स के लिए। जब भी उन्हें कोई बेसिकली स्पेसिफिक वेबसाइट से उन्हें सब डोमेन्स फाइंड करनी है तो उसके लिए ये यूज में आता है कि उन्हें कौन सी वेबसाइट को टेस्ट करना है सबसे पहले। तो सबलिस्टर इन्यूमरेट करता है सब डोमेन्स को, जैसे मैनी सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, पिंग, और सबलिस्टर आल्सो इन्यूमरेट सब डोमेन्स यूजिंग नेटक्राफ्ट, वायरस टोटल, ऐसे सारे वेबसाइट से भी ये फाइंड करता है। तो अभी आप पूछोगे सब डोमेन्स मतलब क्या है, तो मैं आपको ओपन करके, ठीक है, जैसे कि गूगल एक वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके सब डोमेन्स कैसे होंगे, mail.google.com, map.google.com, drive.google.com, तो ये सारे इसके सब डोमेन्स हुए। ठीक है, तो हमें जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हमें सब डोमेन्स को भी टेस्ट करना जरूरी है कि इसके कौन से पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो गीट यू आर है आपको इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी। फिर आपको जाना है आपके कालीनक्स मशीन के अंदर, आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है कमांड गीट क्लोन, और जो यू आर एल आपने कॉपी किया है वो सिंपली आपको यहाँ पे कर लेना है प्लेस्ड। ठीक है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके नेट कनेक्शन की स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो देखिए डाउनलोड हो चुका। अब मैं एलएस करता हूँ, देखता हूँ कि ये कहाँ पे, देखिए मिल गया। तो अभी मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीडी सबलिस्टर। ठीक है, अभी मैं एलएस करता हूँ तो अभी मैं इन सबकी परमिशन चेंज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा सी एच मोड प्लस एक्स और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टार और एंटर दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एलएस करता हूँ तो अभी मुझे ये पाइथन वाली फाइल रन करवानी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन सबलिस्टर पाइथन एच। तो देखिए हमें सारे ऑप्शंस दिखा देगा कि आपको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो सपोज मुझे अभी किसी वेबसाइट के फाइंड करने हैं सब डोमेन्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन सबलिस्टर हाइफन डी और वेबसाइट का नेम। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट php.wordweb.com। मैं यहाँ पे गूगल का लिख देता बट यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसको फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, जितनी वेबसाइट बड़ी होगी उतने उसके सब डोमेन्स भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने एक वेबसाइट लिया डेमो के लिए। तो ये देखिए गाइस, इसने ये सारे सब डोमेन्स फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ये इसके सारे सब डोमेन्स है। सपोज मुझे अभी इसके ओपन पोर्ट से देखना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा भाई हम जो हमने रन किया था वही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा हाइफन, ठीक है, वहाँ पे लगा दूंगा हाइफन वी। ठीक है, अभी मुझे देखना है पोर्ट नंबर पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन पोर्ट्स, तो पी पोर्ट नंबर में लगा देता हूँ 80। ठीक है, तो ये देखिए जो भी पोर्ट नंबर 80 ओपन होगा वो उसके रिगार्डिंग मुझे ये देखिए सारी दिखा देगा वायरस टोटल से। ठीक है, तो ये देखिए फाइंड कर रहा है, तो इसने दिखा दिया टोटल यूनिक सब डोमेन्स फाउंड 32 स्टार्ट पोर्ट्स कैन नाउ फॉर द फॉलोइंग ओपन पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार इसे लाइक कर दो, कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट में पूछ के कर लो, और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।